बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5, और इससे पहले के एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है बच्चों तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों। पहले आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे आपको जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है बच्चों, वहां से आप फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाइए प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और सभी जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है आप वहां से देख सकते हैं, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को। क्या क्या समझना है, किसके बेस पे आपको क्वेश्चन देंगे और कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो, है ना। तो मेन बात है कि आपको पहले उनके कॉन्सेप्ट आनी चाहिए कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जा रहा है और आपको करना कैसे। तो चलिए देखते हैं कि पहले इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो है बच्चों, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। मतलब क्या हुआ सर, कि आपको बच्चों कुछ नंबर मिसिंग होगा और वो आपको वहां पे फिल करना है। समझ में आई बात है, क्या है वो देखो, टू फाइंड द मिसिंग मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर नंबर या सबट्रैक्ट स्मॉलर नंबर्स। ये आपको या तो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड और सबट्रैक्ट पूछा जाएगा, इस दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे एक्सरसाइज में। अभी हम दिखाएंगे भी आपको। पहला रूल्स क्या है देखो, इसमें कह रहे टू फाइंड द मिसिंग मैग्नीट्यूड्स आपको पूछे जाएंगे, एड होगा, डिफरेंस होगा और सबट्रैक्ट होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, इस पे तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला मैग्नीट्यूड को मिलेगा, एड भी मिलेंगे और डिफरेंस या सबट्रैक्ट, ठीक है, इन तीनों पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड, मिन्यूड है बच्चों, है ना, मी न्यू इंड भी कह सकते हैं आप, है ना, मिन्यू इंड कह लीजिए, नो प्रॉब्लम्स। तो देखो यहाँ पे हमें जो है ना, ये टेबल्स इसलिए आपको बना के दिखाया जाता है कि जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छा हो और आप अच्छे से फील लेकर के समझ पाओ और क्वेश्चन को कर पाओ। तो टेबल जरूर ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे ये फिल मिसिंग दे रखा है ना आपको, यहाँ पे हमको डिफरेंस बताना। देखो सबट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका इसी का सेम प्रोसेस है बच्चों। यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया, सबट्रैक्ट लिख दिया और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब इनको देखो ऐड करो तो 6 4 क्या हो गया 10 आ गया 0, 9 9 क्या हो जाएगा 9 8 क्या हो जाएगा बच्चों 9 8 17 और 1 18 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 और कैरी है तो 9 हो जाएगा, 9 4 4 5 क्या हो गया 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिल कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस को यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट निकल के आ जाए। सेम अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 2 में क्या रहा है, टू फाइंड द मिसिंग सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट को बताना, वी सबट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम द मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड्स को डिफरेंस करना है। तो देखो यहाँ पे आपको मिन्यूएंड दिया हुआ है, डिफरेंस है, ठीक है, तो डिफरेंस जो है इस डिफरेंस को अगर आप क्या करेंगे इसमें से लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या रखेंगे जो आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबट्रैक्ट क्या निकल के आ रहा है आपको 6 3 ये निकल के आ रहा है, यानी ये डिजिट को यहाँ पे पुट ऑन करना है। समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू को यहाँ पे हम पुट ऑन करेंगे तो ये हमारा सबट्रैक्ट निकल के आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये डिफरेंस हमको आ जाएगा इसमें से, इसमें से अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन को देखा, आपको एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से क्लियर आएगा बच्चों, क्लियर समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाएंगे भी अभी आपको, है ना। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो भी रहा है तो आप एक्सरसाइज में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए और तीसरी टाइप में कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब यहाँ पे कुछ डिजिट मिसिंग होगा, उस डिजिट को आपको फिल करना है। जैसे इसमें ए पार्ट में देखिए 1 10 100 1000 10000 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या डिजिट आप रखेंगे जो 3 हो जाएगा।
तो बच्चे यहाँ पे टू है और यहाँ पे क्या रखेंगे, वन ही तो रखेंगे, तो वन और टू क्या हो गया थ्री, तो वही थ्री फिल कर दिया है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे फिल करना है, एडिशन भी एक दिखाया है और एक सब्ट्रैक्शन भी दिखा है। देखो एट फोर क्या हो गया, ट्वेल्व, टू आ गया सिक्स, और यहाँ पे क्या रखोगे तो जीरो आ जाएगा। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, तो सिक्स थ्री क्या हो गया नाइन, और एक कैरी है तो टेन आ जाएगा, वही देखो यहाँ पे फिल कर रखा है, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिल करना है और फिल करके भरना है। तो आई होप आपको यहाँ पे देखो ए पार्ट्स के आंसर समझ में आ रहा होगा, टू वन थ्री आ जाएगा, एट फोर ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है, सिक्स थ्री नाइन और एक कैरी है तो टेन आ जाएगा, फाइव और सिक्स क्या होता है बच्चों इलेवन और एक कैरी है तो ट्वेल्व, अब यहाँ पे फाइव थ्री एट और एक कैरी है तो क्या हो गया नाइन। सिमिलरली बच्चों आपको यहाँ पे भी इसी तरीके से फील करना है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज में दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से आपको फील कर। पॉइंट फाइव में आपको पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिनुएंट्स ऑफ द फॉलोइंग सम्स। तो कह रहे हैं ये जो सम्स दिए हुए हमें इनका क्या निकालना है, मिनुएंट्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, मिनुएंट जो होता है बच्चों वो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर वाला जो है मिनुएंट्स है, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखो फाइव और फोर क्या होगा बच्चों नाइन आ जाएगा, तो यहाँ पे नाइन लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, फाइव फोर हमने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे एट और सेवन कितना हो जाएगा बच्चों फिफ्टीन, तो यहाँ पे हमने फिफ्टीन लिखा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ना, यहाँ पे इन दोनों का सम आता है मैग्नीट्यूड में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का सम हम यहाँ पे लिखे, इन दोनों का सम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का सम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का सम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का सम यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर हुआ। ओके देख लो, फाइव फाइव फोर क्या हो गया नाइन, एट और सेवन क्या होता है फिफ्टीन लिख दिया कैरी वन, नाइन और फोर क्या हो गया थर्टीन और एक कैरी है फोर्टीन आ जाएगा, सिक्स और टू क्या हो गया एट और एक कैरी है तो नाइन आ जाएगा, फाइव थ्री क्या हो गया एट तो एट लिख दिया हमने, क्लियर आया समझ में। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी फिल करना है, जब भी कह रहे मैन्यूट्स निकालना है, मैन्यूट्स निकालना है तो दो याद रखना बच्चों, क्या ये जो है आपका डिफरेंस, ध्यान दीजिए ये डिफरेंस और ये सॉरी बच्चों ये सबट्राहैंड है बच्चों, सब ट्राहैंड है ना, सबट्राहैंड और ये है डिफरेंस, तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो मैन्यूट निकलता है। आप चाहे ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्या बच्चों मैन्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंस है ना, डिफरेंस प्लस क्या लिखेंगे सबट्रा, सबट्राहैंड, ये चीज करेंगे आप जब भी आपको मैन्यूट निकालना है, तो डिफरेंस और सबट्राहैंड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आपका मैन्यूट निकल के आ जाए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इनको याद कर ले या ऐसे याद कर ले, m इक्वल क्या लिखेंगे d माइनस s, ठीक है, ये चीजें आप याद रखें, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब इसमें देखो बच्चों सेम b पार्ट में भी, फोर और थ्री क्या हो गया सेवन, सिक्स और थ्री क्या हो गया नाइन, क्लियर, फाइव और टू क्या हो गया सेवन, एट और वन क्या हो गया नाइन, यही चीज हमने करा है। यहाँ पे बच्चों एडिशन आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एडिशन आएगा, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर ले, m इक्वल क्या होगा बच्चों d प्लस s, d से क्या होगा डिफरेंस, s से क्या होगा सबट्रैक्ट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, कह रहे हैं नाइन और इसमें भी सेम वही बच्चों, आपको मैन्यूट ही निकालना है, तो आपको यही करना है, एड करना है बच्चों यहाँ पे, नाइन सिक्स क्या हो गया बच्चों फिफ्टीन, ठीक है, एट और सिक्स क्या हो गया फोर्टीन और एक कैरी है तो फिफ्टीन आ जाएगा, फाइव और वन कैरी है तो सिक्स, और सेवन और वन क्या हो गया एट, तो ये क्लियर आ गया समझ में। सेम बच्चों यहाँ पे भी करना है, दोनों के ऐड कीजिए, इन दोनों के ऐड कीजिए, इन दोनों के ऐड करके लिख दीजिए, ऐड करके लिख दीजिए, क्लियर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिसिंग सबट्राहैंड, क्या निकालना है सबट्राहैंड, सबट्राहैंड निकालना है, सबट्राहैंड निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों कि m इक्वल्स टू d प्लस क्या था s था, सबट्राहैंड था, ठीक।
ठीक है। तो अगर आपको सब्ट्रा हैंड्स निकालना है, एस निकालना है, तो क्या करेंगे आप मुझे बताइए? एम माइनस क्या कर देंगे बच्चों? डी कर देंगे, है ना। एम माइनस क्या करेंगे आप? डी कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे आप बना दीजिए। सब्ट्रा हैंड निकालेंगे तो एम माइनस डी कर देंगे, एम क्या हो गया? मेन्यू इंड हो गया, और डी क्या होगा? डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो देखो अब यहां पे देखो, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं मैन्यूट्स, और ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा जो है, ये जो है डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। तो क्या करेंगे? मैन्यूट में से डिफरेंस लेस कर दीजिए। तो देखो फोर में से फाइव तो लेस होगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसमें से कैरी लेंगे, इसमें से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 9 आ जाएगा, इसलिए मैंने 9 लिखा। अब ये बच गया 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया? 3 आ जाएगा, तो हमने 3 भर दिया जी, ठीक है जी। अब ये क्या बचा बच्चों? 3 में से 2 जाएगा तो सॉरी 3 में से 5 में से 3 लेस होगा तो क्या होगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 4 लेस होगा तो क्या हो गया? 5। तो ये चीज क्लियर हुई। सेम बच्चों यहां पे भी वही करना है, मैन्यूट माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मैन्यूट, और ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो देखो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लोगे तो 12 होगा, 12 में से 7 जाएगा तो क्या होगा? 5 होगा, तो 5 लिखेंगे हम। ये बच गया 6, 6 में से 4 लेस होगा तो क्या होगा? 2, तो 2 लिख दिया हमने। अब ये बच गया 3, सॉरी बच्चों ये 4 हो जाएगा ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 5। तो क्लियर हुआ, ठीक है। सेम बच्चों आपका सी पार्ट में भी यही है, वही सेम लगाना है। तो 2 में से 3 तो लेस होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसमें से कैरी लीजिए तो 12, 12 में से 3 जाएगा 9, ये बच गया बच्चों 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, ये भी क्लियर। सेम बच्चों ये डी का भी वही है, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, अब यहाँ पे देखो 2 में से 4 लेस होगा नहीं, इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8, ये बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, तो दैट्स अ क्लियर, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है ना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और याद रखना। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपको, फिल इन द मिसिंग डिजिट। अब यहां पे देखो मिसिंग डिजिट हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मिसिंग डिजिट पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे आप? सिंपल है बच्चों, अब आपको यहां पे ऐड दे रखा है तो ऐड कर दीजिए, 8 4 क्या हो गया? 12, 12 लिख दिया हमने, ठीक है जी। 8 6 4 क्या हो गया? 10, एक कैरी है तो 11 आ जाएगा। 7 और यहां पे 5 भरेंगे तो क्या हो गया? 12 और एक कैरी है तो 13 हो जाएगा। 9 3 क्या हो गया बच्चों? 12 और एक कैरी है तो 13, और 5 1 क्या हो गया? 6 और एक कैरी है तो 7 आ जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई। सेम यहां पे भी, यहां पे क्या रखोगे तो ये 9 हो जाएगा, 7 7 7 2 9 2 और 4 क्या हो गया? 6, 9 6 15, 5 3 8 और एक कैरी है तो 9 3 और 2 क्या हो गया? 5। तो ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस, तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो गया? 1 आ गया, ठीक है। 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लीजिए, 17 17 में से 8 जाएगा 9, ये बच गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1 और ये बच गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब डी में देखिए आप, अब यहाँ पे चाहे तो बच्चों 10 लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 में से 7 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो तो 14, 14 में से 7 जाएगा तो क्या हो गया? 7 हो गया, ये बच गया 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया? 6, 3 में से 7 तो लेस होगा नहीं, इसमें से लो 13, 13 में से 7 जाएगा तो क्या हो गया? 6, ये बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया? 5। तो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 3.35 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा है, अब इसको याद रखना बच्चों, एम इक्वल्स टू क्या हो गया? डी प्लस एस, ये याद रखना, और इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना, एम डी एस, है ना, एम डी एस। एम से क्या हो गया? मिनवेंस, डी से क्या हो गया? डिफरेंस, और एस से क्या हो गया? सब्ट्रैहेंड, क्लियर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।